तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कमाल के गैजेट के बारे में जो कि अपकमिंग फ्यूचर में रहने वाले हैं। काफ़ी कमाल के मैं आपके लिए पांच गैजेट ऐसे लेकर आया हूं जो कि हो सकता है आपने अभी तक नहीं सुने हो, या फिर हो सकता है एक दो सुने हो लेकिन पांचों तो आप आई एम श्योर नहीं सुनेंगे। तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा, यहाँ पर मैं कुछ आपको दिखाऊँगा, कुछ बताऊँगा और यार आप कुछ देखना, कुछ मुझे बताना कमेंट करके। तो आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कौन से वो पाँच गैजेट हैं और आपको फ्यूचर में किस तरह से हेल्प करेंगे। तो जल्दी से वीडियो करिए लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, साथ में चैनल करिए सब्सक्राइब। चलते हैं अपने वीडियो के साथ, देखते हैं गैजेट्स को। तो दोस्तों सबसे पहले आपने देखा होगा एक पेन नाम की कोई चीज आती थी, वो होती क्या थी कि आपके यूएसबी से आपने फोन में लगा ली और स्क्रीन पर आप उससे अपने माउस कर्सर को चला सकते थे। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी को काफी आगे यहाँ पर लेकर जाया गया, वहां पर आया क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक सेंसर पेन। अब ये पेन करता क्या है कि ये पेन होता है आपके फोन से, स्मार्टफोन हो सकता है या फिर आपका डेस्कटॉप हो सकता है या फिर लैपटॉप हो सकता है या फिर आपका आईपैड वगैरह भी हो सकता है, टैबलेट वगैरह, उनसे कनेक्ट हो जाता है। अब कनेक्ट कैसे होता है, वायर वाला भी आएगा आपको, ब्लूटूथ वाला भी आएगा, किसी भी तरीके से आपका कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद होता क्या है कि आप अपने फोन को अलग रख दीजिए या फिर आपका लैपटॉप है उसको अलग रख दीजिए। अब आप इस पेन को पकड़िए सिर्फ और कहीं भी आपको जरूरी नहीं है, आपको आपका पास पेपर होना चाहिए, कॉपी किताब होनी चाहिए, कहीं भी आप सिर्फ टेबल वगैरह पे या फिर अपने गद्दे पे कहीं भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे आप लिखना स्टार्ट करेंगे अपनी हैंड राइटिंग में, तो वैसे क्या होगा कि आपके उस पर जो आपका सपोज करिए लैपटॉप से कनेक्ट है तो लैपटॉप पर भी लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी कमाल की यहाँ पर चीज़ है। अब मुझे लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है शुरू से, मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे क्या था कि नोट्स भी बनाने हैं तो यार मुझसे तो आप टाइपिंग करवा लो और उसके बाद प्रिंट आउट ले लो वो नोट्स। लेकिन अब क्या होगा कि आप लिख के अपने नोट्स बना सकते हैं, अपनी राइटिंग में बना सकते हैं, उसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो काफ़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में आपको देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी यूजफुल हमारे लिए रहने वाली है। दोस्तों बात करें दूसरे गैजेट के बारे में, वो भी काफ़ी कमाल का, यहाँ पर उसको नाम दिखाया है मिट्टो, MII TO। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एक केतली है आपकी, उसमें क्या होगा कि जब भी आपको कोई पानी लेना होगा, आपका विजल हो सकता है, गिलास हो सकता है या फिर बाउल हो सकता है, तो वहाँ पे आपको नीचे रखना है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपका जो पानी, जितने अमाउंट का पानी आपको चाहिए, लगभग आपको 300 ml पानी पीना है तो 300 ml पानी आपके उसमें गिलास में आ जाएगा। उससे क्या होगा कि अब आपका जो पानी है वो पानी उसी के साथ में गर्म भी हो जाएगा। सपोज़ आपको 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी चाहिए इतना और मुझको इतना गर्म पानी पीना है, तो आपका 300 ml पानी गिलास में ऑटोमेटिकली आ जाएगा और वो 10 डिग्री सेल्सियस पे गर्म भी हो जाएगा। तो आपको अलग से पानी करके उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि टाइम सेविंग होगी, आपका पानी जो होता है वेस्ट होता है उसकी सेविंग होगी और एनर्जी सेविंग होगी। काफ़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है और जैसे ही आएगी आपके मतलब काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अब इनको काफ़ी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए, अपनी चाय बनाने के लिए, या फिर आप पानी पीने के लिए, या फिर हो सकता है और अदर काम के लिए, अपने कोई एग वगैरह बॉईल करने के लिए। दोस्तों बात करें तीसरे गैजेट के बारे में, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कमाल की चीज़। अभी तक आपने क्या देखा होगा कि सिंपल नाइफ देखा होगा, नाइफ काफ़ी तरह के फिर आए उसको मॉडिफाई करा, लेकिन ऐसा नाइफ आपने कभी नहीं देखा होगा। पहले हम क्या करते थे, अपने ब्रेड को कट करते थे उसके बाद में उसको मशीन में डालते थे सेकने के लिए। अब क्या होगा कि आपका जो पोर्टेबल नाइफ होगा वो क्या होगा कि वो आपका वही गर्म होगा, उससे आप आराम से अपना जो ब्रेड है उसको काट सकते हैं। काटने के साथ साथ में आपका जो ब्रेड है वो सीखेगा भी और उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते। काफी कूल गैजेट यहाँ पर ये लगता है। एक आपका सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी में एक फोन आता था, उसके साथ में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता था, उसी की साइड तरह यहाँ पर देखने को मिलता है, आगे की तरफ आपकी लाइट जलती है, तो इसको हो सकता है चार्ज करना पड़े, यहाँ पर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट इसके साथ में दें। तो काफी कमाल का ये नाइफ रहने वाला है। आप इससे जो आपकी बटर की टिक्की होती है उसको भी काट सकते हैं या फिर काफी इसके अलावा ब्रेड काटने के अलावा काफी जगह यूज कर सकते हैं। तो काफी कमाल की ये टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों बात करें नंबर 4 के बारे में, तो ये थोड़ी टेक्नोलॉजी फनी है। यहाँ पर इसको क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पर जो अब भी आप नहाते हैं तो वहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर माना गया है। इसको नाम किया गया है आपका स्पीफी। अब ये जो एक एलिजाबेथ ब्रोशर है उन्होंने यहाँ पर इसको ईजाद किया है। वहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप शावर में, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऐसे कुछ चीज़ें लग जाएंगी। अब जब भी आप शावर में यहाँ पर नहाने जाएंगे तो जब आपका नहाना पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है आपके एक ड्रैगन टाइप से, ड्रैगन के दांत होते हैं उस तरीके से खुल जाएंगे और आपको शावर से अलग हटा देंगे, तो जिससे आप ज़्यादा पानी वेस्ट ना करें नहाने टाइम। अब होता क्या है कि जब हम नहाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर गर्मियों में सिर्फ नहाते ही रहते हैं, वहाँ पर बहुत लॉट ऑफ वाटर जो होता है वहाँ पर वेस्ट होता है जो कि हम नहाने में यूज़ कर देते हैं।
तो उसी को सेविंग के लिए यहाँ पर एक फ़नी वे से इस चीज़ को निकाला गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी है, आपका वाटर सेविंग पे काफ़ी काम चल रहा है। दोस्तों आखिरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो वो है आपका स्कैनर डिटरमाइन फूड कंपोजिशन। अब ये जैसे ही नाम से हमें पता पड़ता है कि एक स्कैनर है जो कि हमारे फूड में क्या क्या डला हुआ है उसको यहाँ पर बताएगा। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर चीज़ें उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी नाप तोल कर यहाँ पर खाना पसंद करते हैं। अब मुझे क्या है कि मुझे खाने का वो शौक है तो मैं कितना भी ऑयली हो या कितना भी मसालेदार हो मैं खा लेता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको भाई फैट इतना होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा है इसमें, इसको नहीं खाएंगे या फिर इस चीज़ को यहाँ पर नहीं खाएंगे, तो उनके लिए काफ़ी फायदे में ही रहेगी। अब इससे क्या होगा कि एक स्कैनर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक स्कैनर होगा, जब भी आप फूड वगैरह इसमें पास रखेंगे तो आपके फूड में जो भी कंपोजिशन जैसे कि फैट इतना है, शुगर इतना है, प्रोटीन इतना है, कार्बोहाइड्रेट इतना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बता देगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, आपको कितने कैलोरी की यहाँ पर आवश्यकता है, आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए या फिर आप फैट कम करें तो आपको फैट नहीं लेना चाहिए। तो काफ़ी कमाल की चीज़ है, काफ़ी हेल्दी रहने में हेल्प करेगी। तो यही थी दोस्तों कुछ 5 टेक्नोलॉजी जहाँ पर मैंने अब से पहले वीडियो बनाया था, वहाँ पर भी मैंने 2 वीडियो दिए हैं आपको, 5 टेक्नोलॉजी यहाँ पर बताई हैं, काफ़ी कमाल की वो वीडियो है, वो देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं आप चैनल पर, चैनल में वो वीडियो आपको देखने मिल जाएंगी। और यार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, इसमें कौन सी वो टेक्नोलॉजी जो कि आपको पसंद आई और कौन सबसे ज़्यादा आप मतलब यूज़ करना पसंद करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो पेन वाली आई, एक्चुअली इसके बारे में काफ़ी पहले सोचता था। तो यार आज की वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप किस बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो के टॉपिक जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, मैं उसके बारे में आपको वहाँ पर बताऊंगा। या चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मिलती रहती है। मैं मिलता हूँ आने वाली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।